हाय शिवांगी, वेलकम टू टीवी मसाला। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज एक बार फिर हर साल की तरह इफ्तार पार्टी में देखकर। इस बार अनुपमा के सेट पर है, बट हाउ डज इट फील टू मीट राजन सर अगेन और सेट पर कैसा लग रहा है वापस? बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी फैमिली के पास वापस आई हूँ, सो बहुत खुशी की बात है। और राजन सर से तो मेरी बात होती रहती है और मैं मिलती भी रहती हूँ, पर काफ़ी दिन हो गए थे ना मिले हुए, सो आज मिली उतने दिनों बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और काफ़ी और लोगों से मिली हूँ जिनसे मैं लिटरली 3-4 साल बाद मिल रही हूँ, तो बहुत खुशी है यार सबसे मिलके। सब मुझे बोल रहे हैं बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है। लेकिन आपके लिए एक अलग प्यार देखने के लिए मिलता है जब भी आप यू नो टचवुड राजन सर का प्यार हो या सेट पर जितने भी लोग हैं हमने देखा, जैसे ही आप आई आपको इतनी वॉर्मली वेलकम किया गया। क्या है वो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिस करती है इस शो को छोड़ने के बाद? यार सब कुछ ही मिस करती हूँ, सब लोगों को मिस करती हूँ मैं, सारी टीम को, एक्टर्स को, क्रू को, सबको मिस करती हूँ। सबने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है और मैंने हमेशा बहुत इन्जॉय किया है इस सेट पे। मतलब ऑनेस्टली मुझे पता है, हमने ऑलमोस्ट 6 साल काम किया है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो 6 साल कब निकल गए। लिटरली मतलब ऐसे निकल गए, वो तो जब हम खुद को देखते थे कि जब शुरू किया था तब आई वो 17 ईयर्स ओल्ड। फिर मैं बड़ी हुई हूँ इस शो में, तो जब मैं अपने आप को देखती हूँ मुझ में कितना डिफरेंस आ गया था। मैं बहुत छोटी सी पतली सी थी, फिर मैं मोटी सी बड़ी सी हो गई। हुई थी। तो यू नो नहीं, काफ़ी चेंज आया मुझ में। पाँच साल छः साल में इंसान 17 से यू नो 23 में बड़ा हो जाता है काफ़ी। तो मैं भी बड़ी हुई यार, बड़ी शो के साथ। सो यार लेकिन अब भी जब आपके सोशल मीडिया पर ये रिश्ता के कुछ क्लिप्स वायरल होते हैं, कुछ क्लिप्स यू नो लोग उठा कर जब डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें याद करती हैं कि आप कैसी थी तभी वाले डेज कैसे थे? हाँ याद, ऑफ कोर्स याद करती हूँ। बड़े प्यारे दिन थे, बहुत स्पेशल दिन थे। हमारा एक आउटडोर था, सिलवासा वाला आउटडोर बहुत स्पेशल था, बीकानेर वाला आउटडोर बहुत स्पेशल था। तो जब उनकी मैं क्लिप्स देखती हूँ तो मैं वो बड़ा मिस करती हूँ यार, वो सारी यू नो वो सीक्वेंस कितने सुंदर सुंदर, कितने प्यारे प्यारे सीक्वेंसेस थे। नायरा की ब्राइडल एंट्री, इतना हैवी 30-40 kg का लहंगा पहन के मैं बुलेट चलाते हुए आ रही थी। एंड आई रिमेंबर आई वॉज रियली सिक दैट डे, आई वॉज अनवेल, बट स्टिल मतलब मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड रहती थी हर सीन के लिए, हर शॉट के लिए। तो आई कुड डू इट। एंड सब लोग बहुत अच्छे हैं यार, सब लोगों ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ पूरी। भले ही ये रिश्ता को डेकेड्स हो गए हैं और रिश्ता अभी भी चलते आ रहा है, लेकिन जो आप लोगों का जनरेशन था उसका एक अलग ही क्रेज़ है अभी भी। तो जब ये चीज़ देखती हैं और फैंस अभी भी डिमांड करते हैं स्पेशली, तो इस बारे में क्या सोचती हैं? अच्छा लगता है यार, अच्छा सुन के अच्छा लगता है, मतलब कि लोग अभी भी इतने सालों के बाद भी यू नो वही जोड़ी, वही सीन्स, उसी तरीके का यू नो शो देखना चाहते हैं। सो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और अभी भी आई थिंक शो रिश्ता नायरा कार्तिक का कुछ एपिसोड्स रीरन हो रहे हैं, सो वो आप लोगों के प्यार की वजह से ही हो रहे हैं, तो जिसको नहीं पता है प्लीज़ जाके देखिए। अभी एक एग्जांपल भी सेट हो गया है कि अगर हमारा शो चले तो ये रिश्ता की तरह चले, क्योंकि बिल्कुल ये रिश्ता इट्स गॉड्स ओन शो यार, भगवान की अपना शो है, उनकी पूरी ब्लेसिंग्स है शो पे काम करने वाले हर एक इंसान पे, तो ये भगवान का अपना शो है यार। और एक चीज़ और है कि वी हैव सीन ऑल द एक्टर्स जिसने भी इस जो भी इस शो से जुड़ा रहा है, दे हैव ग्रोन इन टर्म्स ऑफ देयर करियर ऑल्सो। लगता है आपको कि एक खास बात है राजन सर में इस शो में कि लोगों को बहुत आगे लेकर जाता है? बिल्कुल हर किसी में यार, और आई थिंक यार आपको अपनी पूरी ऑनेस्टी और अपनी पूरी यू शुड गिव योर 200%, दैट इज़ ऑल यू कैन डू। बाकी तो सब किस्मत पे और भगवान के भरोसे होता है, बट आपको हमेशा अपना अच्छा करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगी। क्योंकि बाद में कल के दिन ये ना हो कि कोई भी शो अगर चले नहीं चले, बाद में खुद को देख के ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने इसमें अच्छा काम नहीं किया। हमेशा ये सोचो कि हम अपना बेस्ट हैं और बाकी तो फिर जो होना होता है देखो वही होता है। लेकिन इसी बीच एक बस भी आ रहा है कि शो ऑफर होने वाला है, इस बारे में क्या? कौन सा शो? What? Okay, I don't know about that. I don't think so. पता नहीं, I don't know. होना भी नहीं चाहिए यार, क्यों होना चाहिए, और 10-15 साल चलना चाहिए बिल्कुल। All right, ईद की क्या था? क्या क्या ईद की क्या तैयारी चल रही है, किस फ्रेंड्स के साथ में सेलिब्रेट करने वाली? मैं ट्रैवल करने वाली हूँ फिर से अपनी
फैमिली के साथ, तो मैं वैसे सेलिब्रेट करने वाली हूँ। लास्टली एक खाली ईद विश कर दीजिए हमारे। ईद मुबारक, सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब खाइए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच शिवांगी, थैंक यू।